नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद, और आज हम लेके आए हैं प्रमोद की पंचायत। पंचायत सजेगी आज अम्बेडकर नगर में, क्योंकि यहां पे चुनावी माहौल बन चुका है। चुनाव 8 फरवरी को है और 11 फरवरी को आएंगे नतीजे। जनता क्या फैसला सुनाएगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारी आज पंचायत जो लग रही है वो है अम्बेडकर नगर में, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा विधायक है अजय दत्त, उन्हीं को ही टिकट मिली है। कांग्रेस की ओर से यदुराज चौधरी को टिकट दी गई है, जबकि बीजेपी की ओर से खुशीराम को यहां पे मैदान में उतारा गया है। तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार किसके पक्ष में अपना माहौल बना रहे हैं और किसे चुन रहे हैं दिल्ली के लिए। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में चुनाव आ गए, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल बन रहा है, लोग किसे चुनेंगे इस बार? केजरीवाल को। क्यों? बस केजरीवाल को चुनना है हमें तो। अच्छा, नहीं, क्या ऐसा काम आपको लगा कि उन्होंने अच्छा किया कि केजरीवाल चुन गया? अच्छा किया है भैया, सरकार ने जो ये केजरीवाल ने जो किया है, स्कूलों को ज़्यादा अच्छा किया, बच्चों के लिए अच्छी सुविधा दी है। पहले स्कूल ऐसे नहीं थे, जैसे अब पढ़ाई भी अच्छी होती है और मतलब बच्चे को जाने का भी अच्छा लगता है कि हम स्कूल जाएँ। तो क्या लग रहा है कि इस पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके का केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिए, काम के नाम पे वोट देंगे क्या? काम के नाम पे अभी तो कह रहे इतना वो नहीं हुआ काम, मगर जो स्कूलों का काम हुआ उसका है। बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र है क्या इस इलाके में? नहीं। बीजेपी के खुशीराम है और यदुराज चौधरी कांग्रेस से है? नहीं है। आपको क्या लगता है? केजरीवाल जीतेगा जी। केजरीवाल क्यों? क्योंकि उनने काम किया, उसका काम दिख भी रहा है। बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं ना कि हमें मौका दो, हम भी तो फ्री में करेंगे। नहीं, मौका मिल चुका है, वैसे बार बार थोड़ा मौका दिया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया है, हमारे साथ कुछ और लोग भी है, क्या लगता है सर, क्या वाकई में काम किया है क्या केजरीवाल ने? जी बिल्कुल काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और कोई पार्टी काम ही नहीं करी आज इतने सालों से राजनीति कर रहे लोग तो। लेकिन पहले जिस तरीके से बीजेपी कह रही थी कि केजरीवाल ने लोगों को फ्री में बांट के निकम्मा कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अब वो भी उसी राह पे है, कह रहे हैं कि हमें चुनिए, हम 5 गुना फ्री में ज़्यादा कर देंगे, बताइए। वो तो जुमला है सारा उनका, झूठ बोलते हैं। राज्यों में उनकी सरकार है तो पहले वहाँ फ्री करके दिखाए ना, दिल्ली में तो बाद में करेंगे। जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ पर फ्री करके दिखाए, पहले एग्जाम्पल तो दिखाए कुछ, दिल्ली की तो बात की बात है। कांग्रेस भी कह रही है कि 600 यूनिट तक फ्री कर देंगे, उनकी भी कुछ राज्यों में सरकार है। कांग्रेस ने इधर 60 साल राज करा, 60 साल में 1% भी विकास आप कहीं दिखा दो, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है अम्बेडकर नगर का, क्या जनता यहाँ से अजय दत्त को फिर से? बिल्कुल, अजय दत्त जी आएंगे, इसके सिवा कोई नहीं आ सकता, 100%। नहीं, बीजेपी। अच्छा, हाँ, आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी इसलिए आएगी, इसको तो पता ही नहीं राजनीति क्या है। किसको? केजरीवाल को। रोटेट। अच्छा, ये पैसा आपको पता है? हाँ, पैसा फ्री करने से कोई चीज मेंटेन के लिए कहाँ से लाएगा, केंद्र सरकार देगी, उससे मांगेगा बार बार। तो बीजेपी भी तो कह रही है कि हम फ्री करेंगे, वो कहाँ से लेके आएगी? कैसा फ्री करेगी, जिसका फ्री करना है? कौन सा ऐसा तरीका है? जीतने के बाद बताएंगे ना, पहले बता नहीं सकते ना चीज। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आप ये कह रहे हो कि एक तरीके से, कौन सा ऐसा तरीका है जो आप जानते हैं? कई जगह लंदन बना, देखो कितने वहाँ जाके देखो, ईस्ट दिल्ली लंदन है वो। अच्छा, उसके लंदन बना दूंगा, गड्ढे अभी भी भरे नहीं। यही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि फ्री में देंगे, फ्री में तो बीजेपी भी बोल रही है ना, आप ऐसा काम बताइए जो बीजेपी कर देगी। बोला बीजेपी? कब ने बोला आपने? अभी तो बोला, बोला। बीजेपी ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए। चीज तो नाम ले जाने दे, फुटक नहीं है, वो क्या करेगा? कौन वो नचनिया मनोज? अगर हम बात करें, अगर हम जी हम आज की यूथ है, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अभी तक हमेशा झूठे वादे ही करे हैं। ये आपके सहयोगी देखो युवा ये भी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को राजनीति नहीं आती है, ब्यूरोक्रेट्स है, मानते हैं कि वो राजनीति नहीं। राजनीति सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल को कोई राजनीति करने नहीं देता, वो राजनीति इसलिए नहीं कर पाते। और मोदी जी और अमित शाह की बात करें हम, तो अभी रिसेंटली केस हुआ था, मोदी जी की भतीजी थी शायद किसी का, पर्स चोरी हो गया था भाई साहब, 24 घंटे में उन्होंने वो पर्स ढूंढ के निकाल लिया। ये सिर्फ दंगे करवा लो, इनसे लड़ाई झगड़े करवा लो, बंदों को मरवा लो, और बस यही करवा लो। बाकी केजरीवाल ने काम करा है, इसलिए उसको काम पे वोट मिल रहे हैं और मोदी जी को नाम पे वोट मिल रहा है, बस इतना ही मैं कहूँगा। भाई साहब, चुनाव आगे क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है अम्बेडकर नगर का? मैं अम्बेडकर नगर का नहीं, मैं छतरपुर वार्ड का हूँ। ये क्या माहौल बन रहा है दिल्ली? आम आदमी पार्टी आएगी वैसे तो यहाँ तो। अच्छा, आम आदमी पार्टी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी इस बार? अब ये तो लहर चल रही है भाई। अच्छा,
एक तो मोदी जी की लहर हुआ करती थी, वो क्या आप गायब हो गया क्या? नहीं, मोदी जी की लहर तो है, वो तो केंद्र में है ना जी। अच्छा, तो बीजेपी का दिल्ली में कुछ प्रभाव दिखेगा क्या मोदी? मुश्किल है। आपको क्या लगता है सर? 100% बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी, ऐसा क्यों? बीजेपी भी काम करें और ये तो साले बोगसबाजी करता है, साले तोते उड़ाता है, होता होता कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, बढ़िया काम कर रही है आम आदमी पार्टी। सुनो क्या, दो चार दिन देखो सर माहौल चेंज होएगा। अच्छा, एकदम से ऐसा क्या कर देंगे बीजेपी वाले की दो चार दिन में माहौल पूरा चेंज? नहीं, माहौल चेंज किया लोगों को मालूम पड़ा ना, जो उसने तोते उड़ा रखे मालूम पड़ा है, क्या तोते उसने उड़ा रखे सबको मालूम पड़ा धीरे धीरे। लेकिन बीजेपी 21 साल हो गए दिल्ली में आए हुए, ऐसा क्या काम बताएगी जनता को कि एकदम से माहौल चेंज हो जाएगा? नहीं, माहौल चेंज होने का लोगों को मालूम पड़ा, जो राष्ट्रवाद के पर जो वो है, जो आम आदमी को मालूम पड़ रहा है, ये 370 वगैरह का हो गया तो, और कई जो चीज़ें उठाई उन्होंने वगैरह, और हिंदुत्व वाली जो आगे हमको अपने फ्यूचर बच्चों के बारे में सुना है आगे जो हमें। भाई साहब, लगता है आपको कि ये जो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दों पे अगर बीजेपी लड़ेगी तो 3 दिन में माहौल चेंज हो जाएगा? फिर तो जीत ही जाएगी जी, वो तो फर्क तो पड़ेगा, उस चीज़ का तो फर्क पड़ेगा, वो चीज़ का फर्क पड़ता है। आगे बच्चों का फ्यूचर देखना होगा। केजरीवाल अच्छे कर रही है, केजरीवाल स्कूल कितने अच्छे कर दिया, आज से पहले 20 साल से पहले स्कूलों की दुर्दशा ऐसी थी। ये तो कह रहे 3 दिन में ऐसा माहौल बन जाएगा बीजेपी का कि बीजेपी फ्लो करेगी। बताइए, में बीजेपी किसी कीमत पे नहीं आएगी, किसी कीमत पे लिख के कौन आएगी? बच्चे ही बता देंगे, केजरीवाल आएगा ओनली। बस बच्चे, ये बच्चे भी है, बच्चे स्कूल के अंदर कैसा है माहौल इनको बताइएगा। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे आप भारत माता की जय बोलते हो ना? यस सर। क्या माहौल है? सारी फैसिलिटीज अच्छी कर रखी है, जो भी मतलब पता नहीं, इनको पता नहीं, अभी स्कूल गए नहीं अभी ये। अब बच्चे, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले बोलता है। भाई साहब, ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो आप कह रहे हो कि राष्ट्रवाद के नाम पे अगर चुनाव लड़ेंगे? ये कह रहे हैं स्कूलों में विकास हुआ है, बताइए। बस एक कमरा नहीं बना, सिर्फ उसने तुम्हारा डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, कोई वो नहीं बोला मॉल चेंज हुआ। जो दिल्ली का जो है रिजल्ट देखो, दवाइयां मिल रही है दुनिया भर की, हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़िया हो गए, हॉस्पिटल से बढ़िया क्या चाहिए हमें? और बिजली हमारे को सस्ती मिल रही है, 200 यूनिट तक फ्री मिल रही है हमारे लिए, और क्या चाहिए हमें? आपको आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल की सरकार बनाने जा रही है क्या जनता? केजरीवाल ही आएगा और केजरीवाल की सरकार बननी। क्यों ऐसा क्यों लगता है सर? वो हर चीज 5 सालों में बहुत सी चीजें बदल दिया उन्होंने। ये संगम बिहार कॉलोनी है, जहाँ पे कभी रोड नहीं बनता था वहाँ पे भी रोड बन गया, हर गलियों में रोड बन गया, हर कोई खुश है। आपको क्या लगता है भाई साहब? हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं लगता आपको? हम कुछ कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे आप? आप भी तो वोट डालोगे ना, ये बताइए। वोट डालोगे? क्या दिक्कत है आपको? डर लगता है किसी से? नहीं, डरने की बात नहीं है इसमें, कहने की बात नहीं। सरकार चाहे किसी का भी है, बीजेपी आए चाहे आम आदमी पार्टी आए चाहे कांग्रेस आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो महंगाई जो है ना, हर चीज पे एक तरफ तो सरकार फ्री कर रहा है, दूसरे तरफ जो है कहीं ना कहीं से निकाल रहे जनता से। हम इन चीजों से बहुत दुखी है, मतलब एक महंगाई से आप दुखी। आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार जो है, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाता है, आम आदमी पार्टी जो है केंद्र पे आरोप लगाता है। महंगाई दोनों की बस से कंट्रोल से बाहर है, दोनों की बस से कंट्रोल के बाहर है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा क्या? अब देखिए, ये तो राजनीतिक है, किसके ऊपर चुनाव लड़ेगा वो तो उनके ऊपर फेवर करता है। ठीक है, हाँ, क्या हालत होगी दिल्ली की? दिल्ली में महिला को फ्री करके क्या कह रहे हैं? सीनियर सिटीजन खड़ा है बस में और महिला बैठी है क्योंकि फ्री है। अरे महिला को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इनको नहीं, हमें जवाब दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि फ्री अच्छा नहीं है, ठीक है, आप भी अंकल जी आ जाइएगा क्योंकि ये पंचायत है और ये हमारी और आपकी पंचायत है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि फ्री में जो दिया है वो पूरे देश में बाहर पड़ेगा, बीजेपी तो यही कर रही है ना, बीजेपी कह रही है कि 5 गुना सब्सिडी देंगे। नहीं, सुनिए, जो भी गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेती है ना, वो गवर्नमेंट देश को चलाने के काबिल नहीं है। जो फ्री बांटना चाहती है ना, वो देश को चलाने काबिल नहीं है। देश कौन चलाएगा फिर? देश को हमारा टैक्स चलाएगा ना। हाँ। जब हम कुछ देंगे नहीं तो हमको मिलेगा कैसे? तो सभी कितना बात, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, सभी पार्टियों ने ये कह दिया कि हम तो फ्री में देंगे, बताइए आप क्या करेंगे? देखो भाई साहब, बात ऐसी है, फ्री से देश नहीं चला करते,
ये एक मीठा लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है। ये 4 साल पहले 5 साल पहले केजरीवाल सरकार थी, स्टार्टिंग में क्यों नहीं कर दिया था? 4.5 साल से तब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले बताया कि आपको जो है अलग अलग काम करिए एलजी और हम नहीं मान। आप ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने दिल्ली के बहुत चुनाव देखे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे अम्बेडकर नगर में? नहीं, अम्बेडकर नगर में यही है कि अगर कांग्रेस पहले के मुकाबले में वोट ज़्यादा काट लेती है, कुछ थोड़ी गई ये अन्य पार्टियाँ, तो बीजेपी का कैंडिडेट निकला हुआ है और जो वोट नहीं करती एक लहर सी हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किए हैं क्या इस इलाके में? आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है? देखो मैं दिखाऊँ, चलो दुकान है मेरी यहीं, रात को अगर लेडीजों का छीन के भाग जाए तो वहीं तो गिव पता ना कहाँ है। एक लैट्रिन बाथरूम कहीं भी नहीं बना हुआ है। अच्छा। खानपुर से लेकर के और शेखसराय तक कहीं भी लैट्रिन बाथरूम नहीं है। लेडीजें बेचारी कहाँ जाएं, आदमी कहाँ जाएं? अब महिलाओं से भी पूछेंगे, आपको क्या लगता है भाई साहब? ये तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ अम्बेडकर नगर में, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम ही नहीं करवाया। नहीं, काम तो काफ़ी हुआ, अगर काम को देखा जाए तो ये सुरक्षा जो गेट लगे हैं ये भी आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त जी ने लगवाए हैं। काम तो वही दिखाई दे रहा है। काम क्या लग रहा है कि काम के नाम पे जिस तरीके का दावा कर रही है केजरीवाल सरकार, लोग चुनेंगे क्या एक बार फिर से? हाँ, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि केजरीवाल की ही सरकार बननी है। अच्छा, बच्चों को स्कूल से, स्कूल कैसे चल रहा है बेटा तुम्हारा? अच्छा। हाँ, अच्छा चल रहा है। हाँ। स्कूल में वाईफाई लगे हुए हैं? वाईफाई हाँ लगे हुए हैं। लगे हुए हैं कैमरे वगैरह? हाँ। और टीचर है कि नहीं? टीचर भी तो होंगे। अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो ये कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चों को स्कूल से लेके आए हैं आप, दिल्ली में चुनाव आ गए हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया स्कूलों में, क्या लग रहा है, क्या काम हुआ है क्या? हाँ, मुझे तो लग रहा है हो रहा है, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल ये गवर्नमेंट में ही पढ़ते होंगे ना? नहीं, ये तो अभी प्ले स्कूल में है, तो इसको मैं प्राइवेट में अभी डालूंगी, डाल दिया है इंडियन स्कूल। गवर्नमेंट में क्यों नहीं डालेंगे जब काम गवर्नमेंट में हुआ है तो? क्योंकि ऐसे नहीं डाल रहे, प्राइवेट में डाल रहे, तो अभी ये प्ले स्कूल में है तो अभी मैं इसको एडमिशन प्राइवेट में करा देगी। तो क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल सरकार जो कह रही है कि हमने काम किए हैं, काम के नाम पे जनता वोट का, बिजली को कम कराया, पानी का बहुत काम तो बहुत अच्छा ही किया है केजरीवाल जी ने। तो क्या दिल्ली में जनता चाहती है क्या? जरूर, इस बार केजरीवाल जी आएंगे। इस बार केजरीवाल जी आएंगे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, चुनाव आ गए हैं अब, ठीक है, क्या लग रहा है आपको, क्या केजरीवाल ने काम किए हैं क्या दिल्ली में? हाँ जी सर, काम तो बहुत किए हैं। क्या क्या काम है? जैसे कि अभी सड़कों का काम चल रहा है, बच्चों के स्कूल में सुविधाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, बच्चों की देख रेख में जैसे कैमरे लगाए गए हैं सर, काफ़ी काम हो रहे हैं। काम तो काफ़ी काम हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस का क्या लगता है इसी इलाके में? सर देखो, अब ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काम दोनों साइड से हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल की सरकार चाहते हैं क्या, क्या माहौल है? हाँ जी, केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए। होनी चाहिए? बीजेपी और कांग्रेस की अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्या केजरीवाल ने काम किए हैं क्या दिल्ली में? हाँ जी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि काम तो किए हैं इन्होंने, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं दिल्ली के चुनाव के बारे में। चुनाव आगे क्या लग रहा है, क्या अम्बेडकर नगर में क्या माहौल बन रहा है? अच्छा ही है, आम आदमी का है ज़्यादातर तो। अच्छा, आम आदमी पार्टी का। बीजेपी से यहाँ पे खुशी राम को उतारा है मैदान में, और यदुराज को कांग्रेस ने, अजय दत्त तो पहले से ही विधायक थे और उन्हीं को एक बार फिर से उतारा, क्या अजय दत्त ने काम किए हैं क्या? अजय दत्त ने कराई ये काम, बहुत अच्छा काम करा है। केजरीवाल के ऐसे कौन से काम अच्छे लगते हैं कि लोग कहते हैं कि इस बार बड़ा काम किया है, क्या काम ऐसा लगता है आपको? हम इसी का पता है, अजय दत्त का ही पता है, अजय दत्त ने कराया काम किया है अम्बेडकर नगर में। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि दिल्ली का चुनाव आ गया, क्या माहौल बन रहा है अम्बेडकर नगर का, क्या केजरीवाल को फिर से लोग चुनना चाहते हैं या बीजेपी या कांग्रेस? दिल्ली में तो बीजेपी केंद्र में, केंद्र में केजरीवाल नहीं, केंद्र में नहीं, केंद्र में तो मोदी, और दिल्ली में, हाँ दिल्ली में केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल, आपने उल्टा बोल दिया कि दिल्ली में बीजेपी और केंद्र में केजरीवाल है ना, ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र में मोदी जी और
दिल्ली में केजरीवाल, ऐसा क्यों लगता नहीं कि केजरीवाल पूरी इंडिया संभाल लेगा? अच्छा, इसलिए दिल्ली तो ठीक है ना, काम कर रहे हैं दिल्ली में, काम कर रहे हैं दिल्ली में, काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब? ठीक, काम अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा काम। ठीक है, मैं इनसे ये पूछ रहा था महिला की नज़र से कि क्योंकि महिलाएं अक्सर घरों में बैठे बातचीत करते रहते हैं राजनीति के बारे में कि केजरीवाल ने ठीक काम किया, बिजली का बिल, क्योंकि खर्चा भी बचाना होता है, तो आपको क्या लगता है ठीक है क्या? मतलब ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा था दिल्ली में चुनाव आ गए, क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल ने काम किए हैं क्या दिल्ली में? केजरीवाल, केजरीवाल ने काम किया है। क्या क्या काम ऐसे लगते हैं कि अच्छे काम? महिलाओं को फ्री कर दिया है। ये सही है क्या? कुछ महिलाएं ऐसे भी कहती है कि अगर बुजुर्गों को फ्री कर देते तो ठीक था। नहीं, तो बुजुर्गों की हाफ टिकट वैसे भी है। हाँ, तो सारी महिलाओं को तो खूब फायदा हो रहा है, बाहर आने जाने भी लगे हैं महिलाएं। बिजली और पानी ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं केजरीवाल। क्या लग रहा है सर, चुनाव आ गए अब तो, 8 फरवरी को चुनाव है, और दिल्ली का क्या माहौल बन रहा है? दिल्ली में अगर पिछली सरकार को देखा जाए, केजरीवाल सरकार ने एजुकेशन के मामले में, स्कूलिंग के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिए इन्होंने, दवाइयों के मामले आप मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं जगह जगह, हर किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में एवरेज पड़ती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। जो गरीब पहले मेडिकल या सफदरजंग जाके टाइम वेस्ट करते थे, किराया खर्च करते थे, वो सब बचा है इनका। क्या जिस तरीके का केजरीवाल सरकार कह रही है कि हम तो अगर काम किया है तो वोट दीजिए, जो दावा कर रही है वो जनता मानेगी क्या उस चीज़? बिल्कुल मानना चाहिए मेरे हिसाब से। आप एक वोटर हो, केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि अगर काम किया है तो वोट देना, आप मानेंगे क्या उस? हाँ बिल्कुल, हम इससे 100% सहमत है, काम किया है पिछली सरकार। बीजेपी भी कह रही है कि हम भी अब फ्री करेंगे, पहले तो कह रहे थे लोग निकम्मे हो जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम भी कर देते हैं थोड़े निकम्मे। ये बात सही है, किसी को कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो वो निकम्मा तो ज़रूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब अगर मुझे घर बैठ के मिल जाएगा खाने को तो मैं भी कमाने नहीं जाऊँगा, लेकिन हर चीज़ की अति बेकार होती है और वो होनी नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि हम तो 5 गुना ज़्यादा फ्री करेंगे, तो यानी 5 गुना ज़्यादा निकम्मा हो जाएगा ना वो? देखो टैक्सेशन तो देखो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ता है। अब धनानंद एक राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त से पहले, धनानंद, उस टाइम पे उन्होंने जब हम इंसान मर जाता है जो लकड़ी लगाते हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से चाणक्य ने कसम खाई थी। उन चीज़ों की अति जो है बेकार है। तो कह रही है कि हम पानी तो फ्री करेंगे करेंगे, साथ में कैशबैक की एक सुविधा लेके आ रहे हैं, पानी भी देंगे फ्री में और पैसे भी देंगे, बताइए। नहीं, कैशबैक तो बिल्कुल बेकार है सर, भीख नहीं देनी चाहिए किसी को, मेहनत करे और खाए, आटे में नमक के बराबर फ्री चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम किए हैं क्या? बहुत किया है। क्या सब किए? बिजली का बिल कम कर दिया, और क्या बोलते बसों में महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दी, और जो एक्सीडेंट के केस होते हैं उनमें भी एक्सीडेंट वाले को वो करने के लिए बोला है, और क्या चाहिए अंदर भी इलाज के लिए। हाँ, इन्होंने आने से पहले सब कुछ कर दिया, बाकी इन्होंने आने से पहले कुछ नहीं किया। तो बीजेपी भी कह रही है कि अब तो हम भी 5 गुना फ्री कर देंगे, यानी मोटा मोटा हिसाब 1000 यूनिट आने से पहले ही कर दिया इन्होंने। सब करते हैं आजकल तो, एक को देखा देखी तोड़ दो, अब उसने कर दिया तो फिर अब क्या फायदा? तो आपको क्या लगता है, क्या महिलाएं जब आप बैठे होते हैं तो क्या जिक्र चलता है, क्योंकि अब तो चुनावी माहौल है, घर में भी चलती होगी ना बातें ये? हाँ क्यों नहीं, किसको वोट डाले? केजरीवाल ही आना चाहिए, बट इन्होंने सीए का वो किया है ना, तो सीए वापस नहीं लेना चाहिए, सीए तो गलत है, तो ये गलत बोला है केजरीवाल ने, जो बोला सीए के लिए वो गलत है, वो वापस। उससे क्या लोग नाराज है या सुख सुविधाओं के हिसाब से बोल देंगे? अगर आप हो, आपको अगर अभी कंट्री से बाहर कर दोगे तो आप चले जाओगे इंडिया से? सीए एक्चुअली क्या है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो कंट्री से बाहर करने का कानून नहीं है, वो बाहर से अंदर लाने का कानून है। तो कुछ लोग तो यही कह रहे हैं सीए से, और जो हमारे 2500 करोड़ नहीं नहीं वो गलत एक लोगों में इस तरीके का बताया गया है, वो यूँ कह सकते हैं कि बोगस है, फेक न्यूज़ है, वो बाहर से लाने के लिए है। अगर 1 लाख लोगों को आप इंपोर्ट करोगे इंडिया में, मान के चलिए अम्बेडकर नगर में ही बोल देगी 1 लाख लोग, तो कहाँ रहेंगे बताइए? वो तो बात सही है, बट हम ये चाहते हैं हमारी कंट्री भी सही रहे, ये नहीं हम अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए ना। दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली में क्या माहौल है, क्या लग रहा है? वैसे तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही है, केजरीवाल ही है दिल्ली में तो, केजरीवाल ही है। ठीक है, आपको क्या लगता है भाई साहब, बड़ी गौर से सुन रहे थे आप बात को, है केजरीवाल? अच्छा केजरीवाल क्यों? बिजली फ्री,
पानी फ्री, लेडीज फ्री, सब चीज फ्री, इसलिए केजरीवाल। केजरीवाल जी ठीक है, तो बीजेपी और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, क्या टक्कर है क्या? बीजेपी केंद्र में बीजेपी जी, केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में केजरीवाल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में चुनाव आ गए, क्या माहौल बन रहा है यहाँ? माहौल क्या बन रहा है जी, अब सारे सब लड़ेंगे एक एक करके, अपने अपने बारे में बताएंगे तब। अब तो राजनेता भी आने लग गए होंगे, मार्केट में भी चक्कर मार रहे होंगे, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी प्रचार कर रहे हैं, सब बताएंगे। हैं वैसे तो पूरे 5 साल में कोई आता नहीं है यहाँ पूछने, और अब जब इलेक्शन आ गए तो सब एक एक करके। क्या जनता किसे चुनेगी इस बार दिल्ली में? या अम्बेडकर नगर की बात करें तो क्या अजय दत्त ने काम ऐसा किया है कि लोग फिर से? हाँ जी, अजय दत्त जी ने काम किया है यहाँ पे, हाँ, केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में बहुत काम किया है, काफी दिल्ली में काम हुआ। जैसे बीजेपी कह रही है कि हम 5 गुना फ्री करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम 600 यूनिट तक फ्री करेंगे, इसका क्या नुकसान होगा क्या आम आदमी पार्टी? ये तो फ्री जब मिलेगा तभी पता चलेगा जी, फ्री तो अभी के कोई कहने में तो क्या है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो आपने तमाम लोगों की राय सुनी और इन लोगों ने बताया कि किस पार्टी ने यहाँ पे काम किया है और किस पार्टी का माहौल बन रहा है। फिलहाल हमारे साथ इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहाँ के लोगों की राय और लगाते हैं वहाँ पे पंचायत।